हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के सेशन में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 3 के अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 2019 का एग्जामिनेशन है जो कि 2022 में कंडक्ट कराया गया था, बाकी सारे लेवल्स के भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच चूज कर सकते हो जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स, इवन स्टेनोग्राफी की क्लासेस भी अवेलेबल है। तो एक ही जगह से आपकी कंप्लीट तैयारी एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स और सभी एग्जाम्स की हो जाएगी। एक बार आपने सारी क्लासेस कर ली तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फ्री प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और खुद करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास दो पाइप हैं ए और बी, ए जो कि एक खाली टैंक को 42 मिनट्स और 56 मिनट्स में भर सकते हैं, पाइप सी अकेला भरे हुए टैंक को 84 मिनट्स में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइप को साथ में खोल दिया गया 8 मिनट्स के लिए और उसके बाद सी को क्लोज कर दिया गया तो कितना टाइम लगेगा ए और बी को रिमेनिंग टैंक को फिल करने में। तो सबसे पहले कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, हम कहेंगे यार यहाँ पे ए 42 मिनट में, बी हमारे पास 56 मिनट्स में, और सी क्योंकि ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, सी खाली करने का काम कर रहा है तो मैंने बॉक्स लगा दिया जिससे मुझे याद रहे, और ये 84 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे कि इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास ये 14 × 3 है, ये 14 × 4 है, और ये मेरे पास 14 × 6 है। तो 14 तो कॉमन आएगा एलसीएम लेने पे, 3, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टाइम दे रखा हो, टोटल वर्क इनका एलसीएम मान लेते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे अगर मैं निकालूंगा, आप देखो 14 तो कॉमन है, 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 4, यहां पे 4 से डिवाइड करूंगा 12 को तो 3, और 6 से डिवाइड करूंगा तो 2। ये इनकी एफिशिएंसी जा गई, क्योंकि इसी खाली करने का काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में होगी, होगी -2। कहता है स्टार्टिंग में तीनों पाइप्स को खोल दिया, तो तीनों को खोलेंगे तो कितना काम होगा, 4 और 3 = 7 - 2 डेट इज 5 काम होगा। 8 मिनट तक इन्हें खोले रखा तो 8 मिनट में कितना काम हो गया मेरा, 40 काम हो गया। रिमेनिंग काम कितना बचा, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप कहेंगे सर ये 13 + 1 है, 13 - 1 है, तो 13² - 1² 169 - 1, ये आ गया 168। ठीक, इसमें से इसे घटाया तो मेरे पास रिमेनिंग काम बचा 128। ये किसे करना है, अब पाइप सी को हमने बंद कर दिया, ए और बी बचा हुआ काम कितने टाइम में करेंगे यही बताना है। तो ए और बी का कंबाइंड काम है 7, इसे 7 से विभाजित कर दो, मेरे पास यहाँ पे 1 + 8 = 2/7 ये आंसर आ जाएगा, इतने टाइम में रिमेनिंग पाइप मेरा टैंक फिल हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। क्वेश्चन में कहता है सेलिंग प्राइस दो ब्लैंकेट्स का सेम है, एक ब्लैंकेट को हमने 66 2/3% प्रॉफिट पे बेचा, और जो सीपी है दूसरे ब्लैंकेट का वो 400 रुपए कम है उसके सेलिंग प्राइस से। टोटल प्रॉफिट पे इन दोनों ब्लैंकेट्स को बेचने पे हमें 50% का लाभ होता है, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है ईच ब्लैंकेट का कितना है। अच्छा सवाल है, क्योंकि थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली देखें और अपना आंसर इसमें बता दें, तो एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। देखो दो ब्लैंकेट है, दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। पहले को हमने 66 2/3% के प्रॉफिट पे बेचा, तो CP1 ratio SP ये हो जाएगा मेरे पास 66 2/3 होता है 2/3, मतलब 3 रुपए का पड़ रहा है, तो 2 के प्रॉफिट में बेचूंगा तो 5 का बेचूंगा। CP2 ratio SP2 की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का सेम है तो इसे एसपी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एसपी में कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 कम है सेलिंग प्राइस से, तो अगर मैं यहां पे इसे फिलहाल 3x और इसे 5x मान लूं तो आप कहेंगे अगर सेलिंग प्राइस यहां पे 5x है तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x - 400, ये क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3x + 5x - 400,
ये वैल्यू हो गई 8x माइनस 400, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5x प्लस 5x, ये हो गया 10x। एक्चुअली में हमें टोटल कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट है 50% का, इस पे 50% का प्रॉफिट लगा देंगे तो कितने का बेचेंगे 3/2 का बेचेंगे, 3/2 टाइम्स का, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, आप उधर मल्टीप्लाई करोगे 20x, यहां पे 24x आएगा, तो यहां पे मेरे पास बचा 4x और यहां पे ये 1200 के बराबर हो जाएगा और x का मान आ गया मेरे पास 300। अगर x 300 है तो हमसे पूछा सेलिंग प्राइस बता दो, तो ये कितना हो जाएगा 5x इंटू में 300, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1500। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्लियर, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पढ़िए फटाफट से, कहता है मेरे पास क्या है, नोट है, ठीक है। नोट कैसा होता है आप देखोगे, एक रेक्टेंगल शेप का नोट होता है, कुछ ऐसा ही होता है। अगर मैं एक 500 का नोट आपको दे दूं या 100 रुपए का नोट दे दूं ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर मैं आपको गड्डी दे दूं एक नोट की तो वो कैसी दिखती है? आप कहेंगे सर इसकी कुछ फिर विड्थ भी ऐड हो जाती है और जो गड्डी होती है वो मेरी कुछ ऐसी क्यूबॉइडल शेप की दिखती है, पूरी नोटों की गड्डी अगर मैं आपके सामने रख दूं, यही होता है। तो एक क्यूबॉइड शेप का मेरी नोटों की गड्डी बनती है। कहता है कि जो नोट की डायमेंशन है वो 15x8 है, मतलब यहां पे अगर 15 कर दूं इसे मैं कह सकता हूं 8 है, ठीक है। अगर ऐसे 125 नोट हम लगा दें तो जो गड्डी बनेगी उसकी जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब ये जो चौड़ाई है ना ये हो जाएगी 2। अगर हम कितने नोट्स ले लें, 125 नोट्स ले लें, ठीक है, 125 नोट्स का मेरे पास वॉल्यूम आ गया। कहता है कि कितने 100 रुपए के, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट्स, आप वैल्यू बता दो 100 रुपीज नोट्स की जो कि एक बॉक्स में आ जाए जिसकी डायमेंशन ये दे रखी है और हम इस बॉक्स में जब पैसे डालेंगे तो कोई भी खाली स्पेस नहीं बचेगा। तो आप कहेंगे सर जो नोटों की वॉल्यूम है वो इस बॉक्स की वॉल्यूम के बराबर कर देंगे हम। अगर मैं वॉल्यूम को बराबर करने की कोशिश करूंगा तो आप देखना कितने बंडल आएंगे हमारे पास। अगर मैं मान लू n बंडल्स नोट्स के इसके अंदर आएंगे तो n का मान क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम होगी 48 इंटू 36 इंटू में 30, इसे डिवाइड कर दूंगा एक बंडल की वॉल्यूम से, ये हो जाएगा मेरे पास 8 इंटू 2 इंटू 15। इतने मेरे पास नोटों के बंडल बनेंगे, क्या ये पार्ट क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे तो आप कहेंगे सर इसमें 125 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्योंकि एक बंडल में 125 नोट्स हैं तो टोटल मेरे पास नोट्स आ जाएंगे, कितने नोट्स इस बॉक्स के अंदर आ सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है वैल्यू, तो यहां पे 100 रुपए के नोट है ना हमारे पास, तो अगर 100 रुपए के नोट है तो वैल्यू की अगर बात करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसमें और हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए, तो टोटल इतना पैसा इस बॉक्स के अंदर आएगा। सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे फटाफट से। आप कहेंगे सर यहां पे 8 से काटूंगा 48 6 टाइम्स जाएगा, 2 से काटूंगा 3 बचेगा, 3 से इसे काटूंगा तो 5 बचेगा, 5 से आप इसे काट दो तो ये मेरे पास बचेगा 6, ठीक है। 36 इंटू 6 216 जो कि 6 का क्यूब होता है, 125 हमारे पास 5 का क्यूब है, इंटू में 100, 6 इंटू 5 30 का क्यूब, 30 का क्यूब कितना हो जाएगा 27000 और इंटू में 100, तो मेरे पास 27 के बाद कुछ वैल्यू जाएंगी 1000 या लैक्स, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बैठेगा 27 लैक्स। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू पूछिए, अगर हमसे नंबर ऑफ नोट्स नहीं पूछे, अगर नंबर ऑफ नोट्स पूछता तो 27000 ही आते, वैल्यू पूछिए इसलिए 27 लैक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। अगला सवाल हमारे पास, अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2019 मेंस में पूछा गया था। कहता है एक स्कूल है जिसमें 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, ठीक है। तो अगर मैं कहूं टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 8 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी, मेरे पास 5 होंगी, और बॉयज कितने होंगे, अगर टोटल को मैंने 8 मान लिया तो आप कहेंगे सर यहां पे 8 में से 5 को घटा दो तो बॉयज बचेंगे 3। इस तरीके से चलता है, आगे बढ़ते हैं। 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर बिलो 12 इयर्स ऑफ एज, इसका 2/5 बिलो 12 है तो 5 का 2/5 करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर बिलो 12 है 2 तो अबव 12 कितने होंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, ठीक है। ऐसे ही चलता है, हम स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं, क्वेश्चन जैसे जैसे दे रखा हो। आगे कहता है 4/9 ऑफ द बॉयज आर 12 इयर्स ऑफ एज और अबव, अगर बॉयज की बात करूंगा तो
अबव 12 या उसके बराबर कितने हैं हमारे पास, ये है 4/9। इसका 4/9 निकालना थोड़ा सा मुश्किल है या नहीं है, है। क्योंकि यहां पे 3 रेसिप्रोकल में वैल्यू जाएगी। सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, मैं जितने भी पुराने रेशियो थे सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके हमारी बात बनेगी। ठीक है, सारे रेशियो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि इक्वेशन मेंटेन रहे। अब इसका मेरे पास क्या है, 4/9 है, 4/9 करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 बॉयज अबव 12 हो गए, तो बिलो 12 निकालूंगा तो 9-4 ये बचेंगे 5। आगे बढ़ते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इतना 288, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 24 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 288 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप काटेंगे तो ये 12 टाइम्स जा रहा है, 1:12 को रिप्रेजेंट करेगा। हमसे पूछा है कितने स्टूडेंट्स बिलो 12 इयर्स ऑफ एज है, तो यहां पे बिलो 12 यहां पे ये 6 है, यहां पे ये 5 है, तो कितने हो गए 11 हो गए। 11 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 11 × 12 ये कितना होता है 132 होता है। क्वेश्चन खत्म हो गया, चले आगे हम। बाकी आपको अगर यही देख लेते कि आपको क्या बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बिलो 12 इयर्स ऑफ एज होंगे, तो आप जैसे यहां पे रेशियो निकालते 5 और 6 11, तो आपका आंसर जो भी होता है 11 का मल्टीपल होता है, 4 ऑप्शन में 11 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है डिच ऑप्शन नंबर बी, तो वही आपका आंसर आ जाता। बट सिंपल कैलकुलेशन थी तो हमने पूरा ही कर लिया, वही बात पड़ी, ज्यादा कुछ दिमाग हमें करना नहीं पड़ा अलग से। ठीक है, अगर मुश्किल कैलकुलेशन होती तो मैं ऑप्शन की मदद लेता। फिर अगला सवाल इस तरीके का, एक और सवाल पूछा गया था, पहले मैं आपको वही करा देता हूं। जैसे ये सवाल है, कहता है एक ऑफिस में जो मेल इंप्लॉइज है वो 3/8 है फीमेल इंप्लॉइज के, ध्यान रखना 3/8 किसके हैं, फीमेल इंप्लॉइज के। तो मैं कहूंगा मेल इंप्लॉइज अगर, फीमेल इंप्लॉइज अगर 8 है तो मेल इंप्लॉइज कितने होंगे 3 होंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे 3+8 ये हो जाएंगे 11। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है 1/3 ऑफ द मेल्स आर नॉन ग्रेजुएट्स, मेल्स में नॉन ग्रेजुएट्स क्या है इसके 1/3 मतलब 1, ग्रेजुएट कितने होंगे फिर 2 बचे हुए। 4/9 ऑफ द फीमेल्स आर नॉन ग्रेजुएट्स, अब यहां पे क्या है 4/9, अब डिनोमिनेटर में 9 है, 9 से तो 8 कटेगा नहीं, तो सब जगह 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसका 4/9 निकालूंगा तो मेरे पास यहां पे 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 × 4 = 32 आ जाएगा, ये मेरे पास 8 × 9 = 72 है, तो ये घटाऊंगा तो ग्रेजुएट्स कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट इंप्लॉयज ऑफिस में कितने हैं 164, नॉन ग्रेजुएट कितने होगा यहां पे 32 + 9 = 41, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 164 को, आप देखेंगे कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स जा रहा है। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज ऑफिस में कितने हैं, तो ये 11 × 9 थे, तो 11 × 9 = 99 रेशियो, तो 99 × 4 ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 396। चले आगे, चार ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे हम जो चेक कर सकते थे, जैसे हमने यहां पे जब रेशियो को सिंप्लीफाई करा था तो अगेन मेरे को ये समझ में आया था टोटल इंप्लॉइज जो होंगे वो 11 × 9 का मल्टीपल होंगे ही होंगे। ठीक है, ये मिनिमम रेशियो है तो इसका मल्टीपल होंगे ही होंगे, तो जो मेरा आंसर होगा वो 99 का मल्टीपल आएगा। चार ऑप्शन में 99 का मल्टीपल अगर आप देखें तो एक ही ऑप्शन है, यही मेरा आंसर हो सकता था। चलो आगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपने जब एक चीज पढ़ी थी कि 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ इंप्लॉइज आर फीमेल इंप्लॉइज, मतलब अगर मैं टोटल इंप्लॉइज की बात करता तो 3+8 टोटल इंप्लॉइज कितने हो गए थे मेरे 11 रेशियो, जब मैंने सिंप्लीफाई भी नहीं किया था, तो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज है वो मेरा 11 से कटेगा ही कटेगा, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से ये चीज क्लियर हो रही थी। और लास्ट में हमसे क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज ऑफिस में पूछे थे, तो जो मेरा आंसर आता वो 11 का मल्टीपल होता ही होता। अगर आप 11 का मल्टीपल देखेंगे ये 11 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, तो यही मेरा आंसर आता और कोई आंसर आता ही नहीं। तो मुझे पूरी कहानी करने की जगह अगर मैं स्टार्टिंग में भी ऑप्शन से चेक करता तो शायद मुझे आंसर मिल जाता, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। चलू क्या आगे हम में, अगर ऐसे, क्योंकि देखो नंबर ऑफ इंप्लॉइज जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज मैंने कहा 11 का मल्टीपल, क्या वो 4.5 हो सकते हैं या वो 5.5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 11 होंगे या फिर 22 होंगे या फिर 33 होंगे, इसी तरह से कोई चल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल 100% आएगा, अगर 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा इसका मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने कोई गलती कर दी। ठीक है, आप कह सकते हैं सर आगे जाके फ्रैक्शन में कुछ, जब मैं रेशियो निकालूं फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाए, तो फ्रैक्शन में कोई भी चीज, देखो नंबर ऑफ पीपल जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू में होंगे, नॉन ग्रेजुएट्स जो लोग हैं वो क्या होंगे, लोग हैं, तो इंटीजर होगा हमेशा।
ठीक है, तो फ्रैक्शन में कभी चलेगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मेरा आंसर स्टार्टिंग में ही पढ़ लेता तो 11 का मल्टीपल होता ही होता अगर क्वेश्चन सही है, वरना फ्रेमिंग में मिस्टेक कह सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास एक अच्छा सवाल कहता है, चार दोस्त हैं पी क्यू आर एंड एस, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 400 मीटर, इसके चार ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से, किसी स्पीड से, 4, 8, 16 और 20। तो P को 4, Q को 8, R को 16 और S को 20 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड मान लेता हूं। सारे के सारे एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं यहां से A पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सारे के सारे जा रहे हैं, ये भी दे रखा है। तो हमें बताना है कितने टाइम के बाद ये सारे के सारे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। अब ध्यान से करने वाला सवाल है, आप इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना, किसी भी एक को पकड़ के चल लो और अपना आंसर निकाल लो। मैं देखता हूं, देखो मैं P को पकड़ लेता हूं, अगर P और Q सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनका डिफरेंस, तो ये हो गया मेरे पास, इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 4, है ना। Q और P और R अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12, और P और S सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्या ये 16 हो जाएगी। अच्छा, P और Q कितने टाइम के बाद मिलेंगे, आप कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड तो 4 है, ट्रैक की लेंथ है 400 मीटर, तो ये P जो Q है, Q तेज चल रहा होगा, P उसे Q को तभी पकड़ेगा जब P 400 मीटर एक्स्ट्रा चल चुका होगा, मतलब रिलेटिव स्पीड से जब हम 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे जिस टाइम में, उस टाइम पे P और Q का मिलन होगा। तो आप कहेंगे सर P और Q की मुलाकात कब होगी, P और Q की मुलाकात होगी मेरे पास यहां पे 400 डिवाइडेड बाय 4 है रिलेटिव स्पीड। P की मुलाकात R से कब होगी, आप कहेंगे सर 400 डिवाइडेड बाय 12 रिलेटिव स्पीड। P की मुलाकात S से कब होगी, ये होगा 400 डिवाइडेड बाय 20, क्या यही मेरे पास आ जाएगा। ये इनका टाइम आ गया जब P Q से मिलेगा, P R से मिलेगा और जब P S से मिलेगा। अब एक वो पॉइंट होगा जिसमें P Q से भी मिल रहा होगा, R से भी मिल रहा होगा और S से भी मिल रहा होगा, वो टाइम कौन सा होगा, क्या इन तीनों का एलसीएम ही वो मेरा आंसर दे देगा। इस टाइम का अगर मैं एलसीएम निकाल लूं तो मेरे को वो टाइम मिल जाएगा जिसमें P Q से भी मिल रहा है, R से भी मिल रहा है और S से भी मिल रहा है, क्योंकि वो इन तीनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए भी काटने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखी हो और न्यूमरेटर मेरा क्या आ जाए, सेम आ जाए, ध्यान रखना जब न्यूमरेटर सेम हो तभी ये चीज करेंगे हम। अगर न्यूमरेटर मेरा सेम आ जाए तो इसे तो हम एज इट इज लिख देते हैं 400, और जो डिनोमिनेटर होता है इसका क्या निकाल लेते हैं, HCF, और इनका HCF 4, 12 और ये 20 नहीं है, 16 है, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलत लिख दिया था यहां पे, 4, 12 और 16 का मेरे पास HCF क्या आएगा, ये आएगा 4, तो ये आ गया 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के बाद इन तीनों की मुलाकात होगी। पहली बार हमसे ये बिल्कुल नहीं पूछा कि यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मुलाकात होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछते तो मे बी इट कैन कुड बी अ डिफरेंट आंसर, हमसे पूछा पहली बार कब मिलेंगे तो वो 100 सेकंड के बाद मिलेंगे सारे के सारे एक साथ। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछ लेता तो फिर हम कैसे करते, आप कहते सर पी एक चक्कर कितने टाइम में खत्म करेगा, 400 बाय 4, क्यों कितने में करेगा, 400 बाय 8, ये कितने में करेगा, आर कितने में करेगा, 400 बाय 16, ये एस कितने में करेगा, 400 बाय 20, ये आता। तो अब इस केस में क्या करते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे इन चारों को मिलाना होता तो कितने टाइम के बाद मिलते हैं, टाइम इंडिविजुअल आ गया इनका, इनका हम एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर सेम है तो 400 ही आता, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेता तो अगेन मेरे पास क्या आता, 4 ही आता, तब भी मेरे पास 100 सेकंड। तो ये सब जब मिलेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट का पूछ लेता तब भी मेरा आंसर यही आता, लेकिन मेथड करने का ये होता, अभी कहीं भी मिल सकते थे तो मेथड करने का ये था हमारा। ध्यान रखना दोनों डिफरेंट तरीके हैं करने के, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो ये वाला सवाल मेरे पास है, इसमें कहता है कि ये एक मुझे डेटा दे रखा है, मीन मीडियन और मोड बता दो इन डेटा का क्या होगा, सेम ऑर्डर में करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब सेम ऑर्डर का मतलब क्या है मेरे भाई, सेम ऑर्डर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पहले मैं मीन निकालूंगा, फिर मीडियन निकालूंगा और फिर मैं क्या निकालूंगा, मोड निकालूंगा। ठीक है, तो मतलब ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये मीन होगा, ये मीडियन होगा, ये मोड होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, ये डेटा दे रखा है। अब इसे बेसिक से करना तो आप सभी लोगों को पता है कि पहले हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना, मीडियन निकालने के लिए।
जो चीज मैक्सिमम बार आएगी वो मोड कहलाएगी और मीन निकालने के लिए मुझे इन सबका एवरेज निकालना पड़ेगा। आप ये बताओ मुझे जो भी इसका मोड होगा, क्योंकि पॉइंट में एक भी वैल्यू नहीं है, ये सारे के सारे क्या है इंटीजर्स हैं, तो इनमें से कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी दो बार, तो मोड तो आप डायरेक्टली देखते भी बता सकते हैं कि मेरे पास इसका मोड क्या आएगा। मेरे को जीरो दो बार दिख रहा है और कोई भी वैल्यू मुझे दो बार रिपीट होती हुई नहीं दिख रही, तो मोड तो मेरा क्या हो गया जीरो हो गया। चार ऑप्शन देखा मैंने, ये ऑप्शन हटा दिया, ये ऑप्शन हटा दिया, मेरा आंसर क्या होगा इन दोनों में से ही होगा। अब पहला मेरे पास मीन है, जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो हो सकता है पॉइंट में वैल्यू चली जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरा इंटीजर भी हो सकता है मीन, या फिर पॉइंट डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मैं मीडियन निकालूंगा, मीडियन क्या होता है, मीडियन में इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूंगा, अगर एक मिडल वैल्यू होगी तो वही मीन आ जाएगी, तो क्या होगा इंटीजर आ जाएगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, अगर मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगी मेरे पास इवन हो गई, तो दो वैल्यूज आएंगी, मैं उनका एवरेज निकालूंगा तो वो मुझे क्या देगा मीडियन देगा। अगर दो इंटीजर वैल्यूज है तो मेरे पास मैक्सिमम केस क्या बन सकता है जब हम मीडियन निकालेंगे, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो मेरे पास दो वैल्यू बची, एक बचा 12 एक बचा 13, इनका एवरेज निकालूंगा तो 12.5 ही आएगा, पॉइंट के बाद 5 आ सकता है खाली, है ना। मान लो 12 और 14 होता तो मेरे पास यहां पे आप कहते हैं सर इनका मीडियन निकालोगे तो 12 + 14 / 2 ये आ जाता 13। तो या तो इंटीजर वैल्यू आएगी, अगर इंटीजर्स वैल्यूज का अगर मैं मीडियन निकाल रहा हूं तो उस केस में रिजल्ट जो होता है मेरा या तो इंटीजर होता है या फिर मेरे पास क्या होता है पॉइंट के बाद 5 आता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अगर सारे ऑप्शन देखूं तो मेरे को ऑप्शन नंबर बी में ये इंटीजर दिख रहा है मीडियन, ये पॉइंट के बाद 5 आ सकता था, 16 नहीं आ सकता था, तो ये मेरा मीडियन नहीं हो सकता, तो मेरा मीडियन यही होगा। तो चार ऑप्शन देखा, मोड मेरा जीरो है, मीडियन भी मुझे दिख गया, इंटीजर वैल्यू में आएगा ये, वरना 0.5 आता, तो ऑप्शन देखते हुए यही मेरा आंसर हो सकता है और कोई आंसर की पॉसिबिलिटी नहीं है। ना मैंने मीडियन निकाला, ना मैंने यहां पे निकाला मोड, सॉरी मीन, लेकिन मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कभी भी आपको मीडियन निकालने को दे आंसर, या तो अगर इंटीजर वैल्यूज दे रखी है सारी उसका मीडियन निकालना है तो या तो आपका एक इंटीजर वैल्यू में आंसर आएगा या फिर आपका क्या आएगा 0.5 आएगा मीडियन निकालते टाइम, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे सिंगुलर डेटा दे रखा है, ग्रुप डेटा में बात अलग हो जाती है। चलो अगले सवाल पे चलता हूं मैं। कहता है मेरे पास दो प्रोडक्ट्स का स्टॉक है ए एंड बी, इनिशियली 80% जो टोटल स्टॉक था वो प्रोडक्ट ए का था, फिर हमने 20 केजी प्रोडक्ट ए और 8 केजी प्रोडक्ट बी को उससे बाहर निकाल दिया, और उसके बाद जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का रेशियो बचा वो 9:2 रह गया, तो हमें बताना टोटल स्टॉक बिगिनिंग में कितना था। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर 80% क्या होता है मेरे पास 4/5 होता है, तो अगर 5:5 टोटल मान लिया तो ये मेरा ए हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, है ना। तो इसे मैं एक्स मान लेता हूं, ये एक्स, 4x, ये 5x और ये 1x। मेरे पास ए स्टार्टिंग में 4x था, हमने उसमें से कितना निकाल लिया 20 kg निकाल लिया, है ना। बी मेरे पास कितना था एक्स था, मैंने उसमें से कितना निकाल लिया 8 kg निकाल लिया, और फाइनली जो मेरे पास प्रोडक्ट ए और बी का रेशियो बचा वो बचा 9:2। हमें क्या बताना है इनिशियली टोटल स्टॉक कितना था, मतलब 5x का मान बताना है। सिंपल है, सभी लोग डायरेक्टली कर लेंगे, 9x 8x बचेगा क्या, x बचेगा इधर, -40 -72 -72 हो जाएगा 72 -40 ये बचेगा 32, x 32 तो 5x 160। क्वेश्चन हो गया खत्म। कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के घबराओ नहीं, आराम से करो, अगर लगता है थोड़ा मुश्किल जा रहा है लास्ट के लिए छोड़ दो वरना हो जाएगा। अब देखो ये वाला सवाल कितना सिंपल सा है, किरण के पास 24 व्हाइट बीट्स हैं और रेशम के पास यहां पे 18 ब्लैक बीट्स हैं, ठीक है। उन्होंने बीट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ बीट्स आए और ईच रो में या तो सिर्फ ब्लैक बीट आए या फिर सिर्फ व्हाइट बीट आए, तो हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बीट्स दैट कैन बी अरेंज इन अ रो, बीट्स मतलब मोती, कि ज्यादा से ज्यादा कितने मोती एक रो में हम इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो व्हाइट बीट्स अलग रहेंगी मेरे पास और ब्लैक बीट्स मेरे पास क्या रहेंगी, अलग रहेंगी, है ना।
क्योंकि एक साथ नहीं पुराना इन्हें रोज में हमें अरेंज करना है, कुछ इस तरीके से करना है कि हमारे पास हर रो में जो बीट्स हो वो इक्वल रहे। तो मतलब एक रो में जितनी भी बीट्स होंगी वो इसे भी डिवाइड कर पाए और इसे भी डिवाइड कर पाए, और नंबर ऑफ बीट्स मैक्सिमम होनी चाहिए, तो क्या वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ही होगा। इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो मेरे पास आप सभी लोगों को पता है 6 होगा और 6 ही मेरा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर एक रो के अंदर हम कितनी बीट्स लगाएंगे, 6 बीट्स लगाएंगे, तो हमारे पास व्हाइट कितनी बीट्स बनेंगी, 1 2 3 4 4, तो हमारी क्या बनेंगी, व्हाइट बीट्स बनेंगी। अगर एक रो में 6 बीट्स लगाई, 4 रोज ये बन गई, और हमारे पास ब्लैक 4 रोज बनेंगी, 3 बनेंगी, 6 से डिवाइड कर दोगे 1 में 6 बीट्स आएंगे। हमसे पूछे था टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, तो वो हो जाता 4 और 3 7, अदरवाइज हमसे तो बस ये पूछा था एक रो में कितनी बीट्स हम अरेंज करें मैक्सिमम, तो वो होगी 6। अगला सवाल हमारे पास, पाइप ए एक टैंक को 30 आवर्स में फिल कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 45 आवर्स में फिल कर सकता है, पाइप सी भरे हुए टैंक को 20 आवर्स में खाली कर सकता है। जब पाइप टैंक फुल हो जाता है तो पाइप सी को हमने 6 घंटे के लिए ओपन कर दिया और फिर उसे क्लोज कर दिया, उसके बाद पाइप ए और बी को हमने सेम टाइम पे खोल दिया, तो हमें बताना है कितने टाइम में पाइप ए और बी टैंक को फिल कर देंगे कंप्लीटली। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो ये हमें टाइम दे रखा है, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं जो इनका एलसीएम हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या मेरे पास 180 आएगी, देख लो एलसीएम निकाल के। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये 6, ये 4 और ये मेरे पास 9 आ जाएगी, ये नेगेटिव निकालने का काम कर रहा है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक भरा हुआ टैंक दे रखा है और उसमें हमने पाइप सी को खोल दिया, और ये क्या कर रहा है, इसे 20 घंटे तक चलने, सॉरी इसे 8 घंटे तक चलने दिया, तो 8 घंटे में कितना पानी निकाल देगा टैंक से, 9 × 8 72 रेशियो पानी निकालेगा। अब कहता है कि हमने क्या करा, ए और बी को खुला छोड़ दिया, इसे बंद कर दिया, तो अब ए और बी 1 घंटे में कितना पानी, 10 रेशियो भरते हैं, तो कितने घंटे में जो पानी निकला उसे भर देंगे, हमें टैंक को दोबारा कंप्लीटली फिल करना है, तो ये हो जाएगा 6 + 4, तो 72 / 10 ये आ गया 7.2 आवर्स, क्वेश्चन हो गया खत्म। लैंग्वेज के साथ साथ चलते रहो, क्वेश्चन को सोल्व करते रहो। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक्स सबसे छोटा नंबर है जो 8000 और 8500 के बीच में आता है, जिसे अगर हम 12, 14, 16, 35 और 84 से डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर इतना इतना मिलता है, तो हमें बताना है 10th प्लेस पे जो डिजिट होगी एक्स की वो क्या होगी। कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को, आप ध्यान दें, इन सब से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा फिलहाल उसे छोड़ दो। सबसे पहले जो इस तरह का सवाल होता है कि सबसे डिवाइड हो जाए या कुछ इस तरह की चीज हो, रिमाइंडर कुछ बचे, तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो देखो 12 क्या है मेरे पास, आप या तो सबसे बड़े से करना स्टार्ट कर दो, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो वो उठा सकते हो, जैसे 84 है तो मेरे पास ये 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में मेरे पास 7 की पावर 1 ही आएगा। 35 क्या होता है, 7 की पावर 1 × 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 और जोड़ दिया। 16 2 की पावर 4 होता है, 2 की जगह 4 कर दिया। 14 2 × 7 आ गया, 12 4 × 3 आ चुका, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 इंटू में 5 80, 80 इंटू में 21 1680, यही वैल्यू आएगी, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इन सब से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या मिले, ये रिमाइंडर्स मिले। अगर एक सिंगल, अगर मुझे कहता है इन सब से डिवाइड होने के बाद हमें चाहिए 6 रिमाइंडर या 7 रिमाइंडर, तो मैं कहता हूं जो मेरी वैल्यू होती 1680 एक्स या 1680 इंटू में के प्लस 6 हो जाती, अगर हमें एक फिक्स रिमाइंडर मिलता। लेकिन सबसे हमें क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ रिमाइंडर चाहिए। जब हमें डिफरेंट रिमाइंडर चाहिए होते हैं तो हम देखते हैं कोई ना कोई रिलेशन जरूर आ रहा होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा क्वेश्चन को कर पाना। रिलेशनशिप क्या आ रही है, आप देखेंगे जैसे ये 12 है, 12 के केस में रिमाइंडर 4 मिल रहा है, तो 12 - 4 क्या होता है, 8 होता है। यहां पे मेरे पास 14 है, 14 के केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 6, 14 - 6 भी 8 होता है। ऐसे ही आप चलते रहोगे, 16 - 8 भी रिमाइंडर 8 होगा, 35 - 27 8। जब मेरे पास डिफरेंस सेम आने लग जाए तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनी है ना एलसीएम, ठीक है, इसमें अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स का मान क्या हो सकता है, एक्स होगा मेरा 1680 के -4,
अब k माइनस फोर क्यों करा है? क्योंकि मैं इस वैल्यू को अब इन सबसे डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बेसिकली क्या आएगा मेरा माइनस फोर आएगा। अगर हम देख भी रहे हैं इन सब के केस में तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर तो आपको दिख रहा है इतना, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालूं तो क्या होगा? आप कहेंगे सर फोर को मैं डिवाइड कर रहा हूं ट्वेल्व से, नेगेटिव केस में रिमाइंडर क्या निकलेगा? आप ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व माइनस एट निकलेगा रिमाइंडर नेगेटिव में, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया। अगर मैं सिक्स को डिवाइड करूंगा किससे? 14 से, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिलेगा? 8। तो यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर डिफरेंट है लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर सबका सेम है, तो वही मुझे यहां पे रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव वाला। ठीक, तो मेरे पास ये माइनस फोर नहीं होगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये माइनस एट होगा जो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर है, जिससे कि मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर हर बार मिले। अब के का मान क्या रखें कि ये वैल्यू इसके बीच में आ जाए? आप ध्यान देंगे ये 1680 ये 8000 है, लगभग 1600 होता तो 5 गुना जाता, तो अभी भी मुझे लगता है कि के का मान ये 5 फुट, अगर मैं कर दूं के को 5 फुट कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? ये बन जाएगा मेरे पास 8400 और माइनस में 8, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 8399। क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है? लीस्ट है, क्योंकि इससे पीछे जाऊंगा तो कम से कम 18680 पीछे जाना पड़ेगा, वो बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, 8000 से कम हो जाएगी वैल्यू, तो ये मेरा एक्स का मान आ गया। इसकी टेंथ प्लेस की डिजिट पूछी थी तो वो क्या होगी? 9 होगी। ये टेंथ प्लेस की डिजिट है, ये यूनिट्स प्लेस की डिजिट है, ये हंड्रेड्स प्लेस की डिजिट है, थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट है, कुछ भी हमसे पूछ सकता है। चलिए अगले सवाल पे, कई बार सम ऑफ डिजिट पूछता है, कई बार कुछ और। अगला सवाल हमारे पास कहता है ऋतिक ने एक टेबल को सेल किया 37.5% प्रॉफिट पे। 37.5% क्या होता है? 3/8। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो अगर 8 था तो 3 के प्रॉफिट में, मतलब हम 11 का बेचेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर वो इसे 12.5% कम में खरीद लेता, 12.5% होता है 1/8, तो मतलब माइनस 1/8 इसमें करूंगा तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा बचा 7। अगर वो 7 का इसे परचेज कर लेता और इसे बेचता 330 लेस पे तो मुझे गेन होता 10% का। तो कितने का बेच रहा है? 10% के गेन पे, इस पे 10% का गेन लगाया तो 0.7 बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 7.7। ये मेरा नया सेलिंग प्राइस आ गया। अब कितने कम पे बेचा है? 330 पे। तो जो पुराना सेलिंग प्राइस है और जो नया सेलिंग प्राइस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 330। रेशियो में अगर मैं देखूं तो ये 3.3 रेशियो का डिफरेंस है, ये 330 को रिप्रेजेंट करेगा। हमें बताना है जो पोस्ट प्राइस है टेबल का वो कितने प्रतिशत कम है? 1000 से। आप सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर ये 3.3 है, 330 1:100 को रिप्रेजेंट करेगा। कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा? 8:100, तो 800 कॉस्ट प्राइस था। ये कितने प्रतिशत कम है किससे? 1000 से। तो 200 कम है 1000 से, तो कितना परसेंट हो गया? क्या ये 20% हो गया? 200 1000 पे मतलब 2000 पे कम है, तो 2000 का कितना होता है? 20%। अच्छा सवाल था, लैंग्वेज घुमा के पूछा था बस। अगला सवाल हमारे पास क्या है, पढ़िए जल्दी से। कहता है x एक काम को 84 डेज में कर सकता है, y 50% कम एफिशिएंट है x से, z सेम काम को करने के लिए यहां पे हमारे पास लगाता है 28 डेज। आगे बढ़ते हैं, काम कंप्लीट करना है, y काम की शुरुआत करता है, x उसे 3 दिन के बाद ज्वाइन करता है और z उसे 7 दिन के बाद ज्वाइन करता है बिगनिंग से। तो हमें बताना है कि काम कंप्लीट करने के लिए जेड ने कितने दिन तक काम करा। चलो अगर हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, मुझे टाइम दे रखा है एक्स और जेड का, तो सबसे पहले यहीं से इन दोनों का एलसीएम जो होता है उसे हम टोटल वर्क मान लेते हैं, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास? इनका एलसीएम तो 84 ही आ जाएगा। आप कहेंगे सर एक्स की एफिशियंसी कितनी? 1 आ जाएगी, और 84/28 और जेड की एफिशियंसी 3 आ गई। वाई क्या था? 50% कम एफिशियंट था किससे? एक्स से। तो y की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 50% कम, मतलब 1.5। चीजों को सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि यहां पे पॉइंट में वैल्यू जा रही है, हम नहीं चाहते पॉइंट में आए, मैं सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, एफिशिएंसी को भी डबल कर दूं और वर्क को भी डबल कर दूं, बात एक ही होगी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 168, ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये हो गया मेरे पास 1 और ये हो गया मेरे पास 6। कोई दिक्कत यहां पे नहीं, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि वाई ने काम की शुरुआत करी और 3 दिन के बाद जेड ने भी ज्वाइन किया, 7 दिन के बाद, सॉरी वाई ने
काम की शुरुआत करी, एक्स ने 3 दिन के बाद ज्वाइन किया और जेड ने 7 दिन के बाद। स्टार्टिंग के अगर 7 दिन का काम निकालूं, जब तक मेरे पास जेड नहीं था, तो आप कहेंगे सर वाई ने काम की शुरुआत करी थी तो 7 दिन काम करेगा, मेरे पास एक्स ने 3 दिन के बाद ज्वाइन करा था तो 7 दिन तक स्टार्टिंग के, उसने कितने दिन काम करा, 4 दिन। टोटल काम कितना हो गया, 8 + 7, ये हो गया 15 वर्क। मैं इसमें से घटा देता हूं तो मेरे पास 168 - 15, ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 और ये मेरे पास 153 वर्क मेरे पास बचा हुआ है। अब जेड भी आ गया है, एक्स भी है, वाई भी है, तो सारे साथ मिलके काम करेंगे। एक दिन में कितना काम होगा, 9 काम होगा, 2 + 1 + 6। 153 काम कितने दिन में होगा, 153 / 9, क्योंकि जेड ने अब जब इतना बचाया काम तब जेड ने ज्वाइन किया, तो जेड के आने के बाद कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में, इतने दिन ही जेड ने काम करा होगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यहां पे काटूंगा 1 जा और 7 जा, 17 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, चले आगे, सिंपल कैलकुलेशन थी। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को बता दो ऑल सरफेसेस ऑफ अ 10 मीटर होलो स्टील पाइप हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स आर 15 और 17। अगर रेडियस की बात करूंगा, इंटरनल रेडियस 15/2 हो गया और एक्सटर्नल रेडियस मेरे पास क्या हो गया, 17/2 हो गया, ये दे रखा है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है हमें क्या होगी, अगर 1 cm² पेंट करने के लिए 0.15 रुपीज लगते हैं, पाई को 22/7 लेना है। हमें पेंट कहां पे करना है, सारे सरफेसेस पे। कौन कौन से सरफेस पे पेंट करना होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब मेरे पास होलो पाइप है तो यहां पे एक तो ऊपर की ये सतह, ये सर्कुलर पार्ट है, इस पे पेंट होगा, नीचे भी सेम इस सर्कुलर पार्ट पे पेंट होगा, और मेरे पास एक तो अंदर की साइड का सरफेस है इस पे पेंट होगा, जो इनर सिलेंडर बनेगा, एक जो आउटर सिलेंडर है इसके कर्व सरफेस पे पेंट होगा। क्या यही एरिया होगा मेरे पास जो पेंट करना होगा मुझे, तो टोटल सरफेस एरिया जो मुझे पेंट करना है वो क्या होगा, वो आप कहेंगे सर जो मेरे पास बाहरी बड़े वाला सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया, तो मैं कह सकता हूं 2π R H प्लस अंदर वाले का अगर स्मॉल रेडियस मान लिया तो 2π r h। फिर मेरे पास आगे बढ़ो, अब मुझे सर्कुलर पोर्शन में पेंट करना है तो मैं π R² - r² आप कहेंगे ना सर ये वाला रीजन जो पेंट होना है और ये वाला रीजन, दोनों का एरिया सेम है, तो ट्वाइस मैंने लिख दिया, फिर यहां पे ब्रैकेट में π R² या π R² - π r² यही होगा बड़े वाले सर्कल से छोटे वाला सर्कल। अगर आप ध्यान दें तो यहां पे भी सारे पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कुछ चीजों को कॉमन ले लूं तो टोटल सरफेस एरिया मेरा क्या आ रहा है, 2π 2π 2π, सब जगह कॉमन आ गया, तो मेरे पास बचेगा RH + RH + R² - R², यही बचा, कोई कंफ्यूजन किसी को कैसे भी नहीं। तो मेरा आंसर जो होगा टोटल सरफेस एरिया वो पाई का मल्टीप्लीकेशन होगा। हमारे पास ये क्या था, ये 10 मीटर था, बाकी ये सब दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 cm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा सेंटीमीटर में सब कुछ सही चल रहा है ना। हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 0.15, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 1 cm² के इतने पैसे लगते हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.15 से, ये आंसर है। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरा आंसर आएगा क्या वो पाई का मल्टीपल होगा, पाई मुझे 22/7 लेना, मतलब 11 का मल्टीपल होगा, कोई भी वैल्यू ऐसी तो नहीं है कि डिनोमिनेटर में मुझे 11 मिल जाए, नहीं है, तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। चार ऑप्शन में ये देख लो भैया कौन सा आंसर है जो 11 से कट रहा है, कि आप तो एक ही ऑप्शन हो मेरा आंसर आ जाए। आप चेक करके देखो यहाँ पे, तो ये जीरो वाला पार्ट तो आप हटाई दो, जीरो की जरूरत नहीं है, 8, 6, 14, 5, 19, 19 - 2, 15, 11 से नहीं कटेगा, 8, 5, 13 - 3, 10, ये भी नहीं कटेगा, 8, 5, 13 - 1, 12, ये भी नहीं कटेगा, 8, 5, 13 - 2, 11, ये कट जाएगा 11 से। चारों ऑप्शन में एक ही वैल्यू ऐसी जो 11 से कट रही है वही आंसर हो सकता है मेरा, अदरवाइज कोई और आंसर हो ही नहीं सकता, तो यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि पाई हमें स्पेसिफिकली इन्होंने बोला ये लेना है,
और आप देख भी रहे हैं करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस तक आंसर जा रहा है, आप सोल्व करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। कई बार अप्रोक्स वैल्यू में आंसर हो तो कंफ्यूजन हो जाती है कि अप्रोक्सीमेशन में तो कहीं नहीं जा रहा, वैसे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं अप्रोक्सीमेशन में है, बट फिर भी कई बार दे देता है अप्रोक्सीमेशन में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वरना जब भी आप ध्यान रखें, कर्व्ड सरफेस दे रखा है मुझे, उसका वॉल्यूम निकालना हो या एरिया निकालना हो, हर केस में पाई से मल्टीप्लाई होगा, पाई से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होता ही होता है, तो मैंने डायरेक्टली चेक कर लिया और एक ही ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठ रहा है, यही आंसर आएगा। बेसिक से आप करना चाहें तो बिल्कुल पूरी आजादी है आप लोगों को, ठीक है। मैं करके भी दिखा देता हूं, 0.15 इंटू में 2 करूंगा 0.3 बनेगा, तो ये से मैं 3/10 लिख सकता हूं, पाई को 22/7 लिख सकता हूं, यहां पे h को कॉमन ले सकते हैं मैं, तो मेरे पास r प्लस आर आ जाएगा, यहां पे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर r प्लस r इंटू में r माइनस r, ये हो जाएगा r प्लस r को कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास इधर बचेगा h, ये वैल्यू बचेगी, सोल्व कर लो, r प्लस r 17/2 प्लस 15/2 32/2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 16, ये 1000 है, r माइनस r 17/2 माइनस 15/2 2/2 डेट इज 1, तो ये आ जाएगा 1001। ये तो आपको पता है 1001 7 से कटता है, ये क्या होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 क्या हो जाएगा 143। इसे मल्टीप्लाई कर लेना, डिनोमिनेटर में 10 है तो हमें पता है पॉइंट के बाद एक वैल्यू बचेगी, चार ऑप्शन से तो निकाल ही लिया था हमने, वरना आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास आज की क्लास का आखिरी सवाल, 14,000 रुपीज है, ये बन जाते हैं 18515 टू इयर्स के अंदर सर्टेन रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली। अगर मैं सेम सम को सेम टाइम के लिए सेम रेट पे ब्याज पे लगा दूं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे 8 मंथली कंपाउंड करना स्टार्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे सर 2 साल की बात चल रही है, तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास 14,000 और यहां पे मेरे पास 18515 है ना, तो आप किससे इसे काट सकते हैं। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 साल के बाद की बात है, 1 साल का निकालूंगा तो मुझे इसका रूट करना पड़ेगा ना, तो मैं डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा। तो अगर मैं काटना स्टार्ट करूं, चलो पहले आपने 5 से काट लिया, या फिर आप एक काम करो 7 से देखो कट रहा है या नहीं कट रहा, 7 200, 7 से काटूंगा, 2 जा 14, 45, 6 जा 4 जा 5 जा, कट गया। अब 5 से काट दो, 400, 5 जा 2 जा 9 जा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है मेरे पास 20:23 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये 2 इयर्स की बात थी, अगर 1 ईयर की बात होती तो मैं कहता 20 मेरा बनता 23, कितने का ब्याज मिलता 20, अगर 23 बन रहा है 3 का ब्याज मिल रहा है 20 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3/20 इंटू में 100%, ये हो गया 15%, ब्याज की दर मेरी 15% है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये जब सालाना हम ब्याज निकाल रहे हैं, अगर हम 8 मंथली ब्याज निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 8 मंथ का रेट क्या हो जाएगा मेरे पास, 15/12 इंटू में 8, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग और 8 से गुना, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 2 और 3 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10%, तो हर 8 महीने पर अगर ब्याज लगाएंगे तो 10-10% का ब्याज मिलेगा। 2 साल की बात कर रही है, हमारे पास 2 साल में होते हैं 24 महीने, कितनी साइकिल बनेगी 8 मंथ की, 3 साइकिल बनेगी, तो मैं कहूंगा 10%, 10% और 10%, 3 बार ये ब्याज लगेगा। इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 3 साल का 10-10% के हिसाब से 33.1%, सभी लोगों को वैल्यू भी याद होगी वरना फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मेरे पास प्रिंसिपल है 14,000, 100% को प्रिंसिपल मानते हैं तो 1% हो गया 140, 33.1% कितना हो जाएगा 33.1 इंटू में 140,
जीरो हटा दूंगा, यहां से पॉइंट हट जाएगा, 14 को यूनिट डिजिट से भी करें तो 4, अच्छा 3 में है, 14 वन जा 14, 14 थ्री जा 42, 43, 4 कैरी फॉरवर्ड 46, 4634, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये समझाने में टाइम लग जाता है, वरना ये सारी चीजें जैसे यहाँ पे 2023 देखा आपको पता चलेगा 15% है, 15% साल आना है तो 8 महीने के हिसाब से आप ओरली कह सकते हो 10% है, 10% का 3 साल का इफेक्ट 33.1% है, 33.1% निकालना है इसका तो आपको 14 में से डायरेक्टली 331 को मल्टीप्लाई करना है, अपना आंसर चेक कर देना है। ठीक है, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, एक्चुअली सोल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में आपको। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। बाकी बहुत सारी फ्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस की। आपसे यही विदा लूंगा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।